डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा चुनाव। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। दरअसल भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। ये चुनाव इस वर्ष 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच विभिन्न चरणों में आयोजित हुए थे। आइए जानते हैं विधानसभा के बारे में। भारतीय संविधान के 6 भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 के मुताबिक प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है, जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था भी मौजूद है। संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 और निम्नतम 60 तय की गई है। हालांकि सिक्किम 32, मिजोरम 40 और गोवा 40 इस नियम के अपवाद हैं। विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी के साथ राज्यपाल द्वारा एक आंगल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जा सकता है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल इसके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है, जबकि विधान परिषद एक सतत सदन है जिसके हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। आइए अब नजर डालते हैं हालिया विधानसभा चुनावों के परिणामों पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां सीटों की संख्या 403 है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 273 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी एवं उसके सहयोगी दल को 125 सीटें, कांग्रेस को 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य को 2 सीटें हासिल हुई हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहां सीटों की संख्या 70 है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 47, कांग्रेस की 19, बहुजन समाज पार्टी की 2 और अन्य भी 2 पर हैं। पंजाब की बात करें तो सीटों की संख्या यहां 117 है। इसमें आम आदमी पार्टी यानी आप की 92, कांग्रेस की 18, शिरोमणि अकाली दल एवं उसके सहयोगी दल की 4, भारतीय जनता पार्टी की 2 और बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट रही। गोवा की बात करें तो यहां सीटों की संख्या 40 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 20, कांग्रेस की 11, आम आदमी पार्टी 2 और अन्य 7 पर रहे। जबकि मणिपुर की बात करें तो यहां सीटों की संख्या 60 है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 32, नेशनल पीपल्स पार्टी 7, जनता दल यू 6, कांग्रेस 5 और अन्य 10 पर रहे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल केवल विधानसभा से मिलकर बनता है। 2, कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था भी मौजूद है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या असत्य है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।